तो जैसा यूपी में समाजवादी पार्टी को साइकिल है वहाँ पर, एक होती अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें यह होता है कि अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी और इंडिपेंडेंट अगर दोनों एक ही सिंबल को डाले तो अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया जाता है। तो अगर दो तीन अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एक ही सिंबल को पूछ रहे हैं तो ड्रा होता, उसमें ड्रा में जो सिंबल मिला उस पर लड़ना पड़ता। मजलिस बचाओ तहरीक देखिए 94 में जब एमबीटी फॉर्म हुई थी, गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब याकूबपुरे से जब लड़े थे तो हमारे को सीढ़ी मिली थी जब, फिर उसके बाद में वो सीढ़ी किसी दूसरी पार्टी को अलाट हो गई, तो बाद में हम लोग प्लेन पे लड़े, एरोप्लेन पे, फिर उसके बाद में हम लोग घड़ी पे लड़े एक इलेक्शन। तो उसके बाद से जो है कि दो इलेक्शन में हमारे को टीवी मिला था, तो अक्सर ये होता था कि ड्रा में हमारे को टीवी मिल रहा था, लेकिन कुछ साजिश की गई, जो मौजूदा रिटर्निंग ऑफिसर जो है रैन हमारे याकूबपुरे की, उनको कानून नहीं मालूम, उनको वो बेचारी लेडी जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम रिटर्निंग ऑफिसर बने, हम लोग बहुत कन्विंस करने की कोशिश करे, लेकिन उन्होंने ये बोले कि हम आपको बैट दे दिया, आपको ड्रा में बैट आ गया। तो ठीक है, अब आजकल देखिए सोशल मीडिया का दौर है, अमेरिका में कोई चीज़ होने दो या ओल्ड सिटी में कुछ चीज़ होने दो, एक मिनट में सिंबल फैल जा रहा। अब खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आसिफ नगर में बाई इलेक्शन लड़ी थी, जब उनको भी सिंबल चेंज हो गया था लड़े, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हमारा याकूबपुरे का उम्मीदवार जो है डोर टू डोर कैनवसिंग कर रहे हैं, डेली हम लोग जा रहे हैं, आज रात से हम लोग पूरे डोर टू डोर कैनवसिंग करने शुरू कर दिए, और पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे, पहले से ज़्यादा लगन से हम पूरे बैट को हम पूरे याकूबपुरे के वोटर्स को पहुँचाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर घर का याकूबपुरे के यानी हर मर्द और औरत, पुराने शहर में बोलिए या कहीं भी बोलिए, सबके पास फ़ोन है, सबके पास फेसबुक है, व्हाट्सअप है, हमारा बैट पूरे घरों को हम पहुंचा दिए हैं। अब उसके बाद में देखिए इलेक्शन का जीतना और हारना जो है सब अल्लाह के हाथ होता है, अल्लाह ताला जिस दिन चाहेगा तहरीक को दोबारा इख्तदार देना तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मेहनत करना अपना